हेलो स्टूडेंट दिस इज पंकज धीमान फैकल्टी मेंबर ऑफ एसबीएस लॉ कॉलेज श्री गंगानगर वी आर स्टडिंग कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एंड लिमिटेशन एक्ट 1963 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन रेफरेंस रिव्यू एंड रिवीजन एंड डिस्टिंग्विश देम तो क्वेश्चन आपके पास क्या है कि रेफरेंस रिव्यू और रिविज़न को बताइए और इनमें फर्क इनमें डिफ्रेंसिस भी यहाँ पर बताइए तो रेफरेंस और रिविजन जो है आप सीआरपीसी के अंडर भी पढ़ चुके हैं सीआरपीसी में भी देखा आपने कि कब कोई सबोर्ट कोर्ट जो है किसी भी पेंडिंग सूट को जो है वो रेफर कर सकती है हाई कोर्ट को उसकी ओपिनियन के लिए और किस कंडीशन में एक सबर्नेट कोर्ट के दिए हुए डिसीजन को रिविजन कर सकती है हाई कोर्ट ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और यहाँ पे भी उसी तरीके से रिवीजन और रेफरेंस को डिफाइन किया गया बस सेक्शन यहाँ पे और हो जाएंगे और रिव्यू भी आपको यहाँ पे पढ़ना है अब देखिए द जस्टिस मस्ट बी कम्प्लीट प्योर एज पर द लॉ इट बिकम मीनिंगफुल वेन द स्मॉल एरर मैनी सर्कमसांस एमर्ज अंडर विच द लॉ इज़ नॉट क्लियर एंड दज मिस्टेक और एरर इन द जजमेंट टू टैकल ऑल दिज प्रॉब्लम प्रोविजन हैव मेड अंडर द कोड ऑफ सिविलोसीजर नाइनटीन जीरो एट फॉर द रेफरेंस रिव्यू एंड रिविजन तो देखिए जस्टिस जो है कंप्लीट होना चाहिए एज पर लॉ होना चाहिए Uh, कई बार क्या होता है जब न्याय दिया जाता है कोर्ट डिसीज़न करती है तो उसमें बड़े सारे एरर या फिर कोई बड़ी सारी मिस्टेक हो जाती है और इन सभी मिस्टेक को टैकल करने के लिए जो है रेफरेंस रिव्यू और रिविज़न के प्रोविजन यहाँ पे दे रखे हैं तो देखिए अपील तो आपने पढ़ ली अगर कोई डिसीज़न एरनेस वहाँ पे है उसमें कोई गलती है तो आप अपील कर सकते हैं अपील के अलावा आपके पास और भी ऑप्शन होते हैं आप रिव्यू कर सकते हैं आप रिविज़न भी वहाँ पर कर सकते हैं अपील करने से पहले तो ये आपको यहां पे देखना है तो रेफरेंस सबसे पहले क्या है तो रेफरेंस वो ही है जो कि आपने सी में पढ़ा और वहां पे देखा कि अगर कोई जो सूट जो है सिविल कोर्ट में पेंडिंग है और वो सूट जो है किसी लॉ के क्वेश्चन रेगुलेशन या किसी एक्ट के क्वेश्चन से जुड़ा हुआ मतलब उस सूट में जो क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है वो किसी लॉ से रेगुलेशन से या ऑर्डिनेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पुट हो रहा है और जो सपोर्ड कोर्ट है वहाँ पे उसको वो जो सिचुएशन है वो क्लियर नहीं हो पा रही है और ना ही हाई कोर्ट ने अभी तक उस लॉ और रेगुलेशन को उस एक्ट को जो है इनवैलिड कर रखा है तो उस कंडीशन में हाई कोर्ट की ओपिनियन लेने के लिए वो सपोर्नड कोर्ट जो है उस केस को रेफर कर सकती है हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट जो है फिर जो अपना ओपिनियन देगी उसी के बेसिस पे सपोनड कोर्ट जो है उस सूट को डिसाइड वहाँ पे कर देगी ये आपने सिविल कोर्ट के सीआरपीसी में भी पढ़ा था क्रिमिनल मैटर में सिविल मैटर में भी ऐसा ही होता है देखिए सेक्शन 113 एंड ऑर्डर 46 ऑफ द कोड प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर द रेफरेंस अकॉर्डिंग टू दिस एवरी कोर्ट वाइल डिसाइडिंग द केस मे रेफर इट टू द हाई कोर्ट फॉर इट्स ओपिनियन तो कोई भी कोर्ट जो है किसी केस को डिसाइड करने से पहले उसको हाई कोर्ट को उसकी ओपिनियन के लिए Refer when the trial court decides that any provision of any act, ordinance or regulation applicable to the case pending for very long time before it and any of these provisions are invalid and in the op operative but the high court has not declared these provisions as invalid and inoperative, then such subordinate court may refer the case to the high court for its opinion, giving its own opinion and reason for the case referred. तो यहाँ पे भी ये भी बात रखी कि जब ट्रायल कोर्ट जो है डिसाइड दैट प्रोविज़न ऑफ एनी एक्ट को किसी भी एक्ट के प्रोविज़न ऑर्डिनेंस के प्रोविज़न या रेगुलेशन के प्रोविज़न जो है जो उस पेंडिंग सूट पे एप्लीकेबल है लॉन्ग टाइम से और उनकी नज़र में वो इनवैलिड है लेकिन हाई कोर्ट ने उनको अभी तक इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर रखा है <coughs> ऐसे मैटर को वो रेफर कर सकते हैं हाई कोर्ट को उसकी ओपिनियन के लिए और ओपिनियन के बाद जो है वो वैसे ही उस सूट को डिसाइड वहाँ पे कर देंगे सिमिलरली बिफोर जजमेंट द कोर्ट इन विच सूट वॉज इन इंस्टीट्यूटेड डाउट वेदर द सूट वॉज कॉग्निजेबल बाय द स्मॉल कॉज कोर्ट दैन द कोर्ट वाइल्डिंग द नेचर ऑफ सूट मे रेफर द केस टू द हाई कोर्ट अगर जजमेंट से पहले कोर्ट को ये डाउट है कि, कि किस कोर्ट में ये सूट जो है इंस्टीट्यूट किया जाना है uh, कौन सी कोर्ट में ये सूट जो इंस्टीट्यूट किया जाना है इससे रिलेटेड अगर कुछ बातें क्लियर नहीं हैं तब भी वो हाई uh, कोर्ट की ओपिनियन के लिए जा सकते हैं तो ये आपके पास बता रखा है देखिए देर फॉर एनी केस में बी रेफर टू द हाई कोर्ट अंडर द फॉलोइंग कंडीशन इन कंडीशन में जो है एक मामला जो है पेंडिंग सूट जो है उसको हाई कोर्ट को रेफर किया जा सकता है फॉर द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट वेन एनी क्वेश्चन इज इन्वॉल्व अबाउट द वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन अगर उस पेंडिंग सूट में जो क्वेश्चन है वो एक्ट की वैलिडिटी ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन की वैलिडिटी से रिलेटेड है मतलब तो लॉ से रिलेटेड तो कोई दिक्कत है वहाँ पे वेदर इज एनी डाउट वेदर द केस इज रिकोगनाइजेबल बाय द स्मॉल कॉज कोर्ट और नॉट या फिर ये क्लियर नहीं है कि ये जो सूट है ये स्मॉल कॉज कोर्ट सुनेगी या नहीं सुनेगी तो इसकी ओपिनियन के लिए वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं वेन एनी कोर्ट सबनेट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर्म रॉन्ग ओपिनियन वेदर एनी सूट इज कॉन्गेबल बाय द स्मॉल कोर्ट और नॉट और फेल टू यूज द एक्शन विच इज वेस्टेड इन इट और यूज द इज नॉट वेस्टेड इन इट तो कई सबनेट कोर्ट जो है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सबनेट कोर्ट है एक रॉन्ग ओपिनियन बना लेती है किसी कोर्ट का संज्ञान लेते टाइम और जो है वहाँ पे जो है उस जेसन का यूज़ करती है जो उसके पास नहीं है या जो जक्शन उसके पास है उसको यूज़ करने में वो फेल हो जाती है तो फिर जो है वहाँ पे उसकी ओपिनियन जानने के लिए हाई कोर्ट के पास वो सूट रेफर किया जा सकता है इट कैन बी सेट अंडर दर्डर फोर्टी सिक्स रूल वन दैट इफ़ एनी क्वेश्चन आराइज अबाउट द लॉ एंड कस्टम अगेंस्ट विच नो अपीलाइज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रेफर सच केसेज टू दाई कोर्ट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन क्रिएट होता है लॉ के अंडर या कस्टम के अंडर की कोई किसी मैटर में अपील जो है नहीं की जा सकती है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये जानने के लिए कि क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उस मैटर में से रिलेटेड अपील हो सकती है या नहीं हो सकती उस मैटर को हाई कोर्ट को रेफर कर सकती है ए एफ मार्टिनावर्सी स्टेट नाइनटीन सेवनटी टू केस ओनली सच केसेज में भी रेफर टू द हाई कोर्ट इन हुज इन विच नो अपील लाइज अगेंस्ट अ डिग्री तो जनरली वो मैटर जो है हाई कोर्ट को रेफर किए जाते हैं जिनकी अपील जो है हाई कोर्ट जिनकी अपील जनरली नहीं हो सकती है फर्दर इन सच केसेज रीजनल डाउट मे और वहाँ पर कोई डाउट भी एग्जिस्ट हो रहा हो

दोनों पार्टीज को सुनने के बाद जो है कोर्ट का जो डिसीजन होगा उसको उस कोर्ट को सेंड कर देगी जिसने रेफरेंस करवाया है द तो कोर्ट विल डिसाइड द केस अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट और वो छब्रांड कोर्ट जो है हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसके बेसिस पे उस केस को अब डिसाइड कर देगी फैसला छोटी कोर्ट ही देगी हाई कोर्ट अपना ओपिनियन दे देगी दे कि आप ऐसा डिसीजन करिए और छोटी कोर्ट वो को डिसीजन कर देगी ये है आपके पास रिव्यू रेफरेंस अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर फोर्टी सिक्स रूल फाइव वेयर एनी केस हैज़ बीन रेफर्ड टू द हाई कोर्ट अंडर ऑर्डर फोर्टी सिक्स रूल वन द प्रोविजन टू द सेक्शन वन थर्टीन द हाई कोर्ट मे रिटर्न सच केस टू फॉर द अमेंडमेंट अगर ऑर्डर फोर्टी सिक्स के अंडर जो है रेफरेंस हाई कोर्ट को किया गया है तो हाई कोर्ट क्या कर सकती है uh, उस रेफरेंस uh, को जो है अमेंडमेंट के साथ रिटर्न कर सकती है मे अल्टर कैंसल सेटरसाइड ऑर्डर अगर उस छोटी कोर्ट ने सवर्ण कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया था उसको अल्टर कैंसल सेटरसाइड कर सकती है और मैं पास सच ऑर्डर और इसके अलावा कोई भी नया ऑर्डर वहाँ पे पास कर सकती हूँ अब रिव्यू देखिए रिव्यू क्या होता है वन ऑफ द मैथड फॉर रिमूविंग एनी एरर फ्रॉम एनी ऑर्डर डिक्री जजमेंट इज़ टू रिव्यू द केस तो रेफरेंस तो आपने देख लिया अगर किसी भी जजमेंट में या ऑर्डर में या डिक्री में कोई एरर है उस एरर को रिमूव करने के लिए आप उस केस का उस सूट का रिव्यू करा सकते हैं रिव्यू जो होता है वो सेम कोर्ट में होता है सच एरर में भी रिमूव फ्राम एनी डिग्री ऑर्डर जजमेंट बाय रिमूविंग द केस रिव्यूइंग द केस सॉरी तो उस एरर को रिमूव किया जा सकता है उस डिग्री ऑर्डर जजमेंट से उस केस को रिव्यू करने के बाद तो रिव्यू करके तो सेम कोर्ट जिसने डिसीजन दिया है अगर कोर्ट पार्टी एप्लीकेशन लगाती है तो सेम कोर्ट जिसने वो डिसीजन दिया है वो अपने डिसीजन को रिव्यू करेगी वहाँ पर फिर से एक बार उसको देखेगी अंडर सेक्शन वन फोर्टीन द ऑर्डर फोर्टी सेवन ऑफ द कोर्ट सिविल रिव्यू ऑर्डर एंड्री लाइव टू बी रिव्यूड ऐसे कौन कौन से ऑर्डर होती हैं जिनका रिव्यू किया जा सकता है सेक्शन वन फोर्टीन इसके बारे में बताता है अगेंस्ट दोज ऑर्डर अपील कैन बी मेड पुट सॉरी अगेंस्ट दोज ऑर्डर अपील्स कैन बी मेड बट नो अपील इनफैक्ट हैज बीन मेड एक्चुअली उन ऑर्डर अपील के अगेंस्ट जो है ऑर्डर और डिक्री के अगेंस्ट अपील जो है रिव्यू किया जा सकता है जिनका अपील हो सकती थी लेकिन अपील वहाँ पे की नहीं गई तो ऐसे ऑर्डर्स ऐसी डिक्रीज जिनकी एक्चुअल में अपील हो सकती थी लेकिन पार्टी ने अपील नहीं की है वो उसका रिव्यू करा सकते हैं क्योंकि अपील जाएगी तो अपर वाली कोर्ट में जाएगी उसमें टाइम लगेगा तो आप सेम कोर्ट में रिव्यू के एप्लीकेशन लगा सकते हैं तो अपील हो सकती थी लेकिन आपने अपील की नहीं तो आप रिव्यू कर सकते हैं अगेंस्ट विच नो अपील कैन बी मेड दूसरा ऐसे सब्जेक्ट ऐसे मैटर जिन पे अपील आगे अला है ही नहीं लॉ के अंडर वहाँ पे आप रिव्यू कर सकते हैं अगेंस्ट अ डिसीजन ऑन द रेफरेंस फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज ऐसे डिसीजन जहाँ पे रेफरेंस जो है स्मॉल कॉज कोर्ट ने किया है इन डिसीजन के अगेंस्ट भी आप रिव्यू कर सकते हैं मीन्स कि अगर किसी स्मॉल कॉज कोर्ट ने कोई रेफरेंस जो है हाई कोर्ट को किया है तो इस डिसीजन के अगेंस्ट भी आप अपील जो है रिव्यू जो है आप कर सकते हैं इफ़ एनी अपील हैज़ बिन ऑलरेडी बीन मेड अगेंस्ट एनी ऑर्डर डिक्री देन नो एप्लीकेशन कैन बी मेड फॉर द रिव्यू हेयर अपील इंक्लूड द रिविजन शंकर रामचंद्र अभ्यंकर वर्सेज के डी बापत ए आई आर नाइनटी सेवेंटी एसी का केस है इसमें साफ बोला गया है कि अगर आपने किसी मैटर में अपील कर दी है तो फिर आप उस अपील आपने कर दी है तो फिर आप उस डिसीजन का रिव्यू जो है नहीं करा सकते क्योंकि आपने अपील अपर वाली कोर्ट में कर दी है तो फिर आप रिव्यू कैसे कर सकते रिव्यू तो सेम कोर्ट में होगा वो अब आप नहीं कर सकते तो आप रिव्यू वहीं पे करेंगे जहां पे आपने या तो अपील की नहीं है या फिर वहां पे अपील हो नहीं सकती थी ग्राउंड फॉर द रिव्यू रिव्यू के लिए ग्राउंड्स क्या हैं ऑर्डर फोर्टी सेवन रूल वन आपको ये बताता है एनी पर्सन कंसडरिंग हिम सेल्फ एग्रीड बाय द डिक्री और ऑर्डर डिस्कवर्ड न्यू एंड इम्पॉर्टेंट मैटर और एविडेंस विच आफ्टर एक्सरसाइज ऑफ ड्यू इंटेलिजेंस वॉज नॉट विद इन हिज नॉलेज और कुडेंट बी प्रोड्यूस बाय हिम एट द टाइम वेन द डिक्री वॉज पास और ऑर्डर मेड इफ इट वॉज प्रजेंटेड द डिस चेंज बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी है कि अगर कोई पर्सन जो कि पीड़ित है उस डिक्री से उस ऑर्डर से और उस डिक्री और ऑर्डर को दिए जाने के बाद जो है कुछ नए फैक्ट सामने आते हैं कुछ नए एविडेंस सामने आते हैं और ये एविडेंस ये फैक्ट जो है डिक्री देते टाइम उस कोर्ट का डिसीजन देते टाइम उसके उसको इन फैक्ट्स के बारे में पता नहीं था वो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किए जा सके और अब डिसीजन हो जाने के बाद वो नए फैक्ट सामने आए हैं तो उस टाइम पे फिर वो रिव्यू कर सकता है तो सीधी सी बात यहां का रिव्यू तब करवा सकता है जब उस केस में अब कोई नया मोड आ गया है लेकिन डिसीजन तो हो गया है decree हो गई लेकिन कोई नया फैक्ट कोई नया एविडेंस सामने आता है तो फिर वो सेम कोर्ट में इसका रिव्यू करवा सकता है दूसरा ऑन अकाउंट ऑफ द सम मिस्टेक और एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड दूसरी बात जो डिक्री दी गई है उसमें कोई मिस्टेक और कोई एरर जो है सामने ही दिखाई दे रहा है कोई गलती हुई है फॉर एनी अदर सफिशेंट रीजन के अलावा और कोई भी सफिशियंट रीजन वहाँ पर हो सकता है द वर्ड इफ देर इज एनी सफिशियंट कॉज यूज अंडर ऑर्डर फोर्टी सेवन रूल वन फ्रॉम द बेस दैट द क्लोजेस्ट टू द स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाइड रूल वन दस द कंसिडेशन मे बी गिवन टू द एमरजेंस ऑफ न्यू न्यूफैक्ट इवेंट्स अकरिंग आफ्टर वर्ल्ड इन रिव्यू ऑफ द केस बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर द क्रिकेट इंडिया वर्सेज नेताजी क्रिकेट क्लब ए आई टू थाउजेंड फाइव सुप्रीम कोर्ट का केस है तो रिव्यू में इसी चीज़ को रिव्यू तभी एक्सेप्ट किया जाता है सेम कोर्ट के थ्रू जब उस कोर्ट ने अगर डिक्री वहाँ पर दे दी है रिव्यू उस वो कोर्ट तभी एक्सेप्ट करेगी जब उसको लगेगा कि सच में कोई नए इफेक्ट और नया इवेंट जो है उस डिक्री देने के बाद कोई नया एविडेंस को जो है अब सामने आया है फर्दर रिव्यू कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एनी एरर एर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड अगर कोई एरर जो है सामने दिखाई दे रहा है कोई गलती हुई है उससे डिसीजन देते टाइम तब भी रिव्यू करवाया जा सकता है बट इफ द जजमेंट इज एरस देन इट इज़ करेक्टेड इन द अपील एंड नॉट इन अगर जजमेंट में कोई एरर है तो उसको अपील में करेक्ट किया जा सकता है रिव्यू में करेक्ट नहीं किया जा सकता है. अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे हाँ बाकी यहाँ पे ये यह रखा है शिल्पा सूर्यवंशी वर्सिस राम बाबू अग्रवाल केसेस में ये बता रखा है कि रिव्यू तभी कर सकते हैं जब रिकॉर्ड में किसी तरीके की कोई गलती सामने दिखाई दे रही है अपरिंट ऑफ द रिकॉर्ड अगर है एरर बिच इज अप्रिंट ऑन द रिकॉर्ड तो वहाँ पे रिव्यू करवाया जा सकता है प्रोसीजर क्या है इफ़ द कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन दैट देर आर सफिशियंट ग्राउंड फॉर द रिव्यू देन इट मे एक्सेप्ट द एप्लीकेशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ सच एप्लीकेशन द अदर पार्टी विल इन्फॉर्म्ड अकॉर्डिंगली तो प्रोसीजर ये है कि अगर जिस कोर्ट ने ये डिसीजन डिक्री दी है ऑर्डर दे दिया डिसीजन दे दिया है और उसके बाद पार्टी जो है एग्रीड पार्टी जो है वो कोर्ट में रिव्यू की एप्लीकेशन वहाँ पे लगाती है और वो जो कोर्ट है उस एप्लीकेशन को अगर एक्सेप्ट कर लेती है तो उस एक्सेप्टेंस की इन्फॉर्मेशन दूसरी पार्टी को दे दी जाएगी जिसके फेवर में ये डिसीजन हुआ था अब नेक्स्ट आपके पास रिवीजन तो रिवीजन आप पढ़ चुके हैं रिवीजन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट मेथड टू करेक्शन ऑफ एनी ऑर्डर जजमेंट तो अगर कोई ऑर्डर कोई जजमेंट हुआ है तो उसकी करेक्शन के लिए रिवीजन भी एक इंपॉर्टेंट मैथड है इट इट टेक्स द जूजिक्शन ये वहां पे एरर की करेक्शन करता है जहां पे ज्यूजिक्शन से रिलेटेड मिस्टेक हुई है मतलब वो जो कोर्ट है जिसने वो डिसीज़न दिया था छोटी कोर्ट ने जिसने डिसीजन दिया था उसने अपने या तो जूजन का यूज़ नहीं किया या जूजिक्शन जो उसमें नहीं थी उसका यूज़ करिए या जो जज उसके पास थी उसको यूज़ करने में फेल हुए थे तो जूसिक्शन से रिलेटेड अगर वहाँ पर कोई एरर हुआ है उस छोटी कोर्ट से तो हाई कोर्ट उसका रिविजन वहाँ पर कर सकता है अंडर सेक्शन वन फिफ्टीन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नाइनटीन जीरो एट प्रोविजन हैज़ बिन मेड फॉर द रिवीज़न अकॉर्डिंग टू दिस वेर एनी केस हैज़ बिन डिसाइडेड बाई एनी कोर्ट सबन टू द हाई कोर्ट अगेंस्ट विच नो अपील लाइज एंड इट अपेयर दैट तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखेगी जब ऐसा कोई डिसीजन जो है हाई कोर्ट से सबोर्ट कोर्ट है हाई कोर्ट की अधिनिस्ट कोर्ट मीन्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सीनियर डिवीज़न या जूनियर डिवीज़न इसने कोई डिसीज़न दिया है वहाँ पर और और उस डिसीजन के अगेंस्ट अपील नहीं हो सकती थी तो हाईकोर्ट फिर जो है और हाईकोर्ट को अगर ये लगे द सबर्नड कोर्ट हैज़ यूज सच जिक्शन विच इज़ नॉट कन्फर्म टू अपॉन और उस सबर्नड कोर्ट ने हाई कोर्ट को यह लगता है कि उस सबर्ण कोर्ट ने जुजिक्शन का यूज़ नहीं किया जो उसको कन्फर्म है जो उनको मिली हुई है सच कोर्ट हैज़ फेल टू यूज जजन विच इज़ बेस्टेड इन इट या फिर उस जुजन को यूज़ करने में फ़ेल हो गया जो उनको दी गई थी तीसरा सच कोर्ट हैज़ यूज डिजिक्शन विच इलीगलेलिटी एंड द मटीरियल इरेगुलरिटी या ऐसी ज्यूजन का यूज़ किया गया जो कि इलीगल थी मतलब जो उनके पास पावर नहीं थी देन हाई कोर्ट मे कॉल सच केसेस बिफोर इट एंड मैनी एंड मे पास ऑर्डर विच इट मे डिड ऐसे केसेस में जहाँ पे छोटी कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वहाँ पे प्रॉपर जूज का यूज़ नहीं किया जो उनको मिली हुई थी या अपनी जूजन का ज़्यादा यूज यूज़ किया या इलीगल तरीके से जूजन का यूज़ किया पावर और तब हाई कोर्ट जो है उस केस का रिकॉर्ड अपने पास मंगा सकती है और वहां पे डिसीजन को करेक्ट वहां पे कर सकती है राम राव सिंह वसी श्रीमती रुकमणी ए आई टू थाउजेंड एटीन हाई कोर्ट का कैसे पावर ऑफ रिविजन इज कंफर्म्ड ऑन हाई कोर्ट टू सेटिस्फाई इट्सल्फ एज टू द लीगैलिटी रेगुलरिटी और प्रोपरिटी ऑफ द डिसीजन ऑफ द डिस अथॉरिटी एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ तो आर बी टी संबंधम के के अली के केसेस में भी चेन्नई हाई कोर्ट ने बोला कि रिविज़न कब किया जा सकता है किन ग्राउंड पर किया जा सकता है जब कोर्ट जो है बियॉन्ड द जजशन काम करती है या फिर जजन का जो है यूज़ नहीं करती है या फिर जो डिसीजन जो है कोर्ट जो है डील करती है इरेगुलरिटी के साथ इलीगेलिटी के साथ या प्रिजर्वनस के साथ यहाँ पे अगर करती है तो ऐसा हो सकता है

इन एंड इरेगुलरिटीज ऑफ देंट कोर्ट रिगार्डिंग यूज़ ऑफ दिशा एंड टू अचीव द आइडल्स ऑफ द जस्टिस इट इज मैं इफ देयर इज ए नो इन द जजमेंट ऑफ सब्रेन कोर्ट दैन नो रिजन कैन बी मेड। तो यहां पे क्लियर है आर्य समाज श्री करणपुर वर्स इज पृथ्वी राजा राजस्थान हाई कोर्ट में बोला कि अगर कोर्ट का जो डिसीज़न है उसमें कोई एरर नहीं है जजमेंट में कोई एरर नहीं है तो रिवीजन नहीं हो सकता है मींस रिवीजन आप तभी कर सकते हैं जब सब कोर्ट ने कोई गलती वहाँ पे की है जुरशन से रिलेटेड उस जुजिक्शन का यूज़ कर दिया जो उसको नहीं थे ज्यूजिक्शन का मतलब क्षेत्र लगा वो पावर जो उनको नहीं थी उस पावर का यूज़ करके डिसीज़न किया या फिर पावर का जो है ज़्यादा यूज़ कर दिया या फिर इलीगल तरीके से उस सूट को सुना नेक्स्ट आपके पास मेजर माइकल मोकरा हंस वर्सिस मेजर जॉन्स मोकरा हंस का केस है इज अ गुड केस ऑन सब्जेक्ट इन द केस द कर्नाटका हाई कोर्ट हैज़ स्टेटेड द फॉलोइंग मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर द रिवीज़न तो इसमें भी यही बता रखा है कि रिविजन के लिए क्या कंडीशन पूरी करनी है सबर्ण कोर्ट जो है ने उस केस को डिटर्मिन किया हो सुना हो उसकी अपील आगे नहीं हो सकती है और जो सबर्ण कोर्ट ने जो डिटर्मिनेशन की है वो ऐसी जूजेक्शन का यूज़ करके की है जो उनमें वेस्ट नहीं थी या फिर जो जुजक्शन थी उसका यूज़ नहीं किया या जूजिक्शन जो है इलीगल तरीके से और इलेगलिटीज़ के साथ जो है उसको यहाँ पर यूज़ किया गया तो यहाँ पर यह बता रखा है रिविजन कैन ऑनली बी मेड बाय द हाई कोर्ट एंड इट इज इट्स डिस्क्रिप्शनरी पावर तो रिविजन हमेशा हाई कोर्ट करती है और ये इसकी डिस्क्रिप्शनरी पावर में आता है अब देख लेते हैं डिफ्रेंसेस क्या है सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं रिव्यू और रिविज़न में क्या डिफरेंसेज है तो देखिए रिव्यू कैन बी मेड बाय द सेम कोर्ट सेम कोर्ट में रिव्यू होता है आपको पता है हु हैज डिसाइडेड द केस जिसने केस को डिसाइड किया है रिव्यू भी वहीं पर होता है रिविज़न जो है जनरली हाई कोर्ट में किया जाता है अभी आपने पढ़ा तो रिविजन हमेशा हाई कोर्ट में होता है रिव्यू जो होता है जिस कोर्ट ने डिसीजन देती है वही कोर्ट जो है उसको रिव्यू करती है जब नए फैक्ट सामने आ जाते हैं अपीलेबल ऑर्डर जजमेंट कैन बी रिव्यूड वाइल रिविजन कैन ओनली बी मेड फॉर सच ऑर्डर जजमेंट वॉज नॉट अपीलेबल जनरली अपीलेबल ऑर्डर जिन मैटर में अपील हो सकती है उनमें भी रिव्यू किया जा सकता है लेकिन रिविजन तभी किया जाता है जहाँ पे अपील जो है पॉसिबल ना हो ये आपने अभी पढ़ा रिव्यू कैन बी मेड ओनली वेन न्यू फैक्ट्स अमर्ज और वेन देर ए एनी एरर और फेस ऑन द रिकॉर्ड तो रिव्यू तभी किया जाता है जब वो जो एरर uh, जो है सामने आ जाता है या फिर एरर uh, जो है रिकॉर्ड में आपको सामने दिखाई देता है रिविज़न तब किया जाता है जब ज्यूजिक्शन से रिलेटेड कोई एरर वहाँ पर हो गया हो तो रिव्यू तब किया जाता है जब न्यू फैक्ट सामने आते हैं रिविज़न तब किया जाता है जब एरर से रिलेटेड हो छोटे अधिनिस्थ कोर्ट का नेक्स्ट है रिव्यू इज मेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टी एग्रीव्ड तो रिव्यू कौन करता है जिस कोर्ट के against, जिस पार्टी के अगेंस्ट डिसीजन आया है उसको अग्रीवड पार्टी बोलेंगे पीड़ित पक्ष बोलेंगे और वो पार्टी रिक्वेस्ट कर सकती है रिव्यू के लिए लेकिन जो आपके पास रिवीजन है कैन बी मेड बाय द हाई कोर्ट बाय कॉलिंग द रिकॉर्ड ऑफ द केस फ्रॉम द लोअर कोर्ट हाई कोर्ट जो रिवीजन करती है वो खुद करती है खुद अपने पास रिकॉर्ड मंगवाती है लोअर कोर्ट से द अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द ऑर्डर पासड आफ्टर द रिव्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रिव्यू करने के बाद आप स्टिल अपील कर सकते हो लेकिन रिविजन के बाद आप अपील नहीं कर सकते हैं ये यहाँ पे लिखा है रिव्यू कैन बी मेड बाय एनी कोर्ट रिव्यू कोई भी कोर्ट कर सकती है रिविज़न हमेशा हाई कोर्ट करती है यू नो वेरी वेल अब है रेफरेंस और रिविज़न में डिफरेंस क्या है रेफरेंस और विजन में डिफरेंस रख लेते हैं इन द रेफरेंस एनी सूट इज रेफर टू द हाई कोर्ट बाय लोअर कोर्ट फॉर द ओपिनियन वाई इन द रिजन द हाई कोर्ट कैन कॉल द रिकॉर्ड ऑफ द केस फ्रॉम द लोअर कोर्ट तो देखिए रेफरेंस में क्या होता है कि हाई कोर्ट को एक सूट रेफर किया जाता है लोअर कोर्ट के थ्रू लेकिन रिजन में हाई कोर्ट जो है किसी केस का रिकॉर्ड मंगाती है लोअर कोर्ट से तो लोअर कोर्ट हाई कोर्ट को एक मैटर रेफर कर रहा है लेकिन रिवीजन में हाई कोर्ट जो है लोअर कोर्ट से कोई मैटर मंगवा रही है रेफरेंस इज मेड ओनली टू रिमूव द डाउट अबाउट द इन वैलिडिटी और इरेगुलरिटी ऑफ एनी एक्ट ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन तो रेफरेंस में बेसिकली क्या होता है अगर किसी एक्ट ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन में उसकी लीगैलिटी इनवेलिडिटी uh, uh, से रिलेटेड कोई डाउट है उसको रिमूव किया जाता है लेकिन रिवीजन में जो है जो ज्यूजिक्शन से रिलेटेड कोई एरर हुआ है उसको रिमूव किया जाता है अब नेक्स्ट आपके पास अपील और रिविजन में डिफरेंस क्या है अपील और रिविजन में क्या डिफरेंस है अपील इज मेड ओनली अगेंस्ट द अपीलेबल ऑर्डर अपील वहीं पे की जाती है अपीलेबल ऑर्डर जो सीपीसी में जो ऑर्डर और डिक्री जिनकी अपील हो सकती है उन्हीं की अपील आप कर सकते हैं लेकिन रिवीजन जो है ओनली सच ऑर्डर विच आर नॉट अवेलेबल लेकिन रिवीजन वहीं पे होता है जहां पे अपील नहीं हो सकती ऊपर वाली कोर्ट में अपील इज लीगल राइट वाइल इज ऑफ द अपील एक लीगल राइट right है ये आपका राइट right है कि अगर आप कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो ऊपर वाली कोर्ट में आप अपर कोर्ट में अपील कर सकते हैं लेकिन रिवीजन आपका लीगल राइट right नहीं है ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर पे डिपेंड करता है कि वो किसी लोअर कोर्ट से केस को मंगवा के जिसम से रिलेटेड कोई मैटर सॉल्व कर सकती है द ग्राउंड ऑफ अपील आर वेरी वाइड वाइल द रिजन इज मेड ओनली रिमूव द एर रूजिक्शन अपील के ग्राउंड बहुत वाइड है अपील के ग्राउंड के लिए आपको न्यू फैक्ट बताने पड़ते हैं न्यू एलिगेशन कोई एरर कोई बड़े सारे ग्राउंड हो सकते हैं अपील को लगाने के लिए ठीक है जी लेकिन रिवीजन का एक ही ग्राउंड है जो कि जूजिक्शन से रिलेटेड होता है एरर रिलेटेड टू जूजिक्शन अपील कैन ओनली बी मेड बाय द पार्टी वाइल रिवीजन कैन बी मेड बाय द हाई कोर्ट बाई कॉलिंग कोर्ट फ्रॉम द लोअर कोर्ट अपील जो है पार्टी कर सकती है आपको पता है पार्टी जो अग्रीड पार्टी है वो अपील कर सकती है लेकिन रिविजन जो है हाई कोर्ट खुद करता है बाय रिकॉर्ड फ्रॉम द लोअर कोर्ट से रिकॉर्ड मंगवा कर द अपील कोर्ट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द हाई कोर्ट वाइल रिवीजन कैन ओनली बी मेड बाय द हाई कोर्ट अपील आप हाई कोर्ट के अलावा दूसरी कोर्ट में भी कर सकते हैं मान लीजिए जूनियर डिवीजन का डिसीजन है तो आप सीनियर कोर्ट में जाएंगे सीनियर कोर्ट का डिवीजन का मामला है तो आप डिस्ट्रिक्ट uh, कोर्ट में जाएंगे तो अपील के लिए कोर्ट डिफरेंट हो सकती है लेकिन रिविजन के लिए कोर्ट हमेशा हाई कोर्ट ही होती है ऑन द डेथ ऑफ द अपीलेंट वेन द लीगल रिप्रेजेंट आर नॉट ब्रॉड ऑन रिकॉर्ड इट एक्सटिंग द प्रोसेस ऑफ अपील बट इट डज नॉट हैपन इन द केस ऑफ रिविजन अगर अपीलेंट uh, ने अपील की है और उसकी डेथ हो जाती है तो और लीगल रिप्रेजेंटेड जो है कोर्ट में नहीं आते हैं तो ये अपील एक्सटिंगश हो जाती है लुप्त हो जाती है ख़त्म हो जाती है लेकिन ऐसा कुछ भी रिवीजन में नहीं होता है रिवीजन में ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं होती है सो so, ये है आपके पास अपील रिव्यू आ, रेफरेंस रिव्यू और रिवीजन का प्रोविज़न और इनके आपस में डिफरेंसेस क्या हैं, थैंक यू सो मच